अपने विशेष चुनावी कार्यक्रम को लेकर। इस बीच में हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजपाल सिंह तोमर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और पत्रकार के रूप में हमारे बीच में श्री रिजवान अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तोमर जी ने मांधाता के चुनाव को बहुत करीब से देखा है, आपने नेपानगर के चुनाव को बहुत करीब से देखा है, हम दोनों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, तोमर जी आप क्या कहेंगे, भाजपा की जीत की ओर अग्रसर है, तो कौन से फैक्ट इसमें काम किए हैं? हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और ये शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कार्यों पर मोहर लग रही हैं। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान को जनता ने पसंद किया है और कांग्रेस को सिरे से खारिज किया है। कमलनाथ जी का 15 महीने का जो कार्यकाल रहा वो किसान विरोधी रहा, धोखे से उन्होंने झूठ बोलकर जो सरकार बनाई थी जनता ने उनको सबक सिखा दी है और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना रही है। जी, बोलिए। मैं मध्य प्रदेश के लाखों मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरे मन भाव से कार्य किया और कांग्रेस की यह दुर्गति की है। ये कांग्रेस की दुर्गति उनके कर्मों से हुई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है और आगे भी बनाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, ये परिणाम बता रहे हैं। रिजवान भाई, जो मध्य प्रदेश में पूरे परिणाम आ रहे हैं तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, कौन सा फैक्ट काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान और एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन परिणाम जो आ रहे हैं उसके विपरीत आ रहे हैं। देखिए, जो चुनाव जो ट्रेडिंग्स देख रहे हैं, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं जो जी। इसमें भाजपा और कांग्रेस 50% का 50% से भी ज़्यादा का डबल, 9 सीट कांग्रेस की, 18 सीट भाजपा की, बिल्कुल जी। तो ऐसा लग रहा था चुनाव को देख के कहीं ना कहीं जो टिकाव बिकाव वाला मुद्दा है या जो प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस से भाजपा में है, कहीं ना विरोध दिख रहा था ग्राउंड के अंदर। आखिरी के तीन दिनों में, चार दिनों में ना भाजपा ने, भाजपा के संगठन ने ना केवल इसको कवर किया बल्कि वो भारी जीत की तरफ भी उनके प्रत्याशी बढ़ रहे हैं जी। कांग्रेस को मुझे लगता है एक चीज़ में जो जैसा चलते चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के जाते रहे, तो कहीं ना कहीं उससे मैसेज गया जनता के बीच में कि जब पार्टी के हालत चुनाव के बीच में ये हालत है तो ये पार्टी ये चुनाव वापस बना पाएगी, सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? कांग्रेस या बना भी लगी तो वापस वही दुर्गति नहीं हुई जो पहले से चुनाव के पहले लोग छोड़ के जा रहे थे। तो लोगों ने फिर से शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा के साथ जाना ज़्यादा ठीक समझा, मेरा ऐसा मानना है। यही सवाल आपसे भी कि बीच में भाजपा के प्रत्याशियों का जगह जगह बहुत विरोध हुआ था, कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया, उन्हें भगा दिया गया, माना जा रहा था कि ये जो सारे फैक्ट है ये चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध नहीं था, ये कांग्रेस की प्रोपोगंडा थी, कांग्रेस ऐसी अफवाह फैला रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए वो क्षेत्र के विकास के लिए आए और जनता ने उसको बता दिया कि ये बिकाऊ नहीं थे, ये क्षेत्र की जनता के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार किया और जनता ने भी उनको स्वीकार किया है। लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसके अंदर तब भी कहीं ना कहीं भाजपा नुकसान में तो है थोड़े बहुत? नहीं, ऐसा कहीं नुकसान नहीं है। आप देख रहे 28 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 18 पे अभी लीडिंग कर रही है और आने आने आखिरी तक ये मान के चलो कि 20 से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आएंगे। हाँ, मतलब एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ उपचुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया, 1/3 सीटें ऊपर आगे चल रही है। एक बात बताना चाहूँगा कि जो 28 सीटों में चुनाव था इसमें 27 तो कांग्रेस के MLS थे, एक सीट जिसपे इनकी जो डेथ हुई थी भाजपा के MLA की जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं वो, उनके जो एक डेथ हुई है वो एक सीट भाजपा के MLA की थी, 27 सीट पे कांग्रेस थी। अब देखिए 27 में 18 सीट भाजपा लेट गई, तो भाजपा तो 18 सीट का फायदा ही, इस 17 सीट का तो फायदा है इस चुनाव में कम से कम भाजपा को। मतलब कुल मिला के भाजपा उपचुनाव से भाजपा को ही फायदा मिल रहा है, लेकिन जो जनता की जो उम्मीदें हैं इस चुनाव के बाद सरकार किस तरह काम करेगी, मतलब उसके काम करने के तरीके में कोई बदलाव होगा क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए कार्य किया है। शिवराज सिंह जी के 15 साल का जो कार्यकाल रहा जी, वो प्रशंसनीय रहा और 2018 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें वोट प्रतिशत के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिला था। सीट के गणित में 2-3 सीटें
सिर्फ कांग्रेस ज़्यादा हो गई थी, वो भी उन्होंने एक प्रलोभन दिया किसानों को, झूठा, हम किसानों का ये माफ़ करेंगे, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये झूठ बोल के उन्होंने जो सरकार के नज़दीक पहुँचे थे और सरकार बना ली थी जोड़ तोड़ करके, और उसकी दुर्गति हुई आपने देखा, कांग्रेस में उसकी दो फाक हुए और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर उनके 22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के विकास के लिए आए, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और इस कार्य को गति करते हुए प्रदेश को ऊंचाइयों पर, देश पर ले जाने का कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और शिवराज सिंह जी पर, जनता पर भरोसा है। रिजवान भाई, एक सवाल आपसे ये है कि जितने जो पहले मंत्री थे वो लगभग सभी जीत रहे, 3 मंत्रियों की शायद स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, तो जब ये सारे लोग जीत करके आ जाएंगे ये तब वापस इनका कैडर वही रहेगा कैबिनेट में, या इनमें बदलाव किया जाएगा? देखिए, ये जो कांग्रेस छोड़ के जो MLA आए थे भाजपा के अंदर, उनको कहीं ना कहीं कमिट, टिकट का भी कमिट किया गया था, और जो स्टेटस उनको कैबिनेट में जो दर्जा दिया गया, चाहे राज्य मंत्री हों चाहे कैबिनेट मंत्री हों, तो मुझे लगता है कि चुनाव जीतने का तो स्टेटस कायम रहेगा, और जो पद खाली होंगे, भाजपा के कई ऐसे वरिष्ठ MLAs भी हैं पाँच बार छः बार के जीते हुए, वो कहीं ना कहीं नाराज़ थे कि उनको कैबिनेट से बाहर रखा गया, तो मुझे लगता है उन लोगों का मौका मिलेगा इस कैबिनेट में, और ये स्टेटस इन लोगों का बरकरार रहेगा जो जिस स्टेटस पे, ऐसा लगता है। तो जो कांग्रेस से लोग यहाँ पर आए हैं, भाजपा में आए, उन्हें मंत्री पद भी दिया गया, तो इससे भाजपा में कहीं अंदरूनी रूप से नेताओं में कोई खफा होने वाली जैसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार कर लिया है, हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, हमारे परिवार के वो सदस्य हैं, अब कोई कांग्रेस और BJP वाली बात ही नहीं रही, जितने भी भारतीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मांधाता विधानसभा चुनाव में आप पुनासा सेक्टर के प्रभारी थे? हाँ, पुनासा मंडल का प्रभारी था। पुनासा मंडल के प्रभारी थे, आपने वहाँ पे क्या स्थिति देखी चुनाव के दौरान, लोगों के किस तरह के फीडबैक मिले थे आपको? हाँ, जनता शुरू से ही शिवराज सिंह जी को पसंद कर रही थी, शिवराज सिंह जी के कामों को पसंद कर रही थी, जनता ने मन बना लिया था कि इस बार नारायण पटेल जी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजना है, और पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को ही बनाकर रखना है। हमारे सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ने लगातार क्षेत्र में काम किया, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वो क्षेत्र में रहते थे, लोगों से मिलते हैं, उनके कार्य को भी जनता ने स्वीकारा। दूसरा सवाल, खंडवा के पड़ोसी जो विधानसभा नेपानगर में भी भाजपा की प्रत्याशी सुमित्रा काजदेकर अच्छे खासे वोटों से आगे चल रही हैं, आपने नेपानगर में लंबे समय तक काम किया है, वहाँ पर सुमित्रा काजदेकर को लेकर जो सुमित्रा काजदेकर वहाँ पे आगे चल रही हैं वो अपनी छवि से आगे हैं या भाजपा की छवि से? देखिए, जो भाजपा से जो कांग्रेस से प्रत्याशी भाजपा में आए, सारे भाजपा के लिए नए थे, भाजपा संगठन के लिए नए लोग थे, उनका भाजपा में कोई अनुभव नहीं था जी, एकदम नए रोपे हुए पौधे हैं वो। इसमें मैं मानता हूँ कि इस जो चुनाव में जो भाजपा को लीड मिली, जो भाजपा ने अच्छा किया, प्लस किया, ये भाजपा संगठन ने बहुत बेहतर काम किया, शिवराज सिंह की छवि कहीं ना कहीं काम कर रही थी, लोगों को मतलब इस परिणाम को देख के लग रहा है कि लोगों को इस बात की हताशा थी कि कांग्रेस को उन्होंने मौका दिया, कांग्रेस अच्छे से सरकार चला नहीं पाई, अपने अंतर विरोध के चलते सरकार गिरी, और एक बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को फिर से देने का मौका देने का मन बनाया और भाजपा के साथ जाना पसंद किया। अच्छा, निमाड़ मतलब खंडवा में देखा जाएगा, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में तो दो बड़े कद्दावर नेता हैं, एक आपके विजय शाह जी जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी, लेकिन देखने में ये आया है कि विजय शाह को नेपानगर में ज़्यादा समय स्पेंड करवाया गया और नंद कुमार सिंह चौहान को मांधाता में, इसके पीछे कोई कारण लग रहा है आपको? देखिए, जो दो मंत्री थे जो शिवराज कैबिनेट के, इसमें से विजय शाह जी को नेपानगर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी सीट है नेपानगर, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई। कमल पटेल को जो है, कमल पटेल को मांधाता का प्रभारी बनाया गया। नंद कुमार सिंह चौहान जो कि भाजपा के स्टेट लेवल के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, खंडवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, 5 से ज्यादा बार सांसद रहे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो, उन्होंने बहुत इस पूरे चुनाव में एक चीज मॉनिटर हम करेंगे कि भाजपा की जिस लीडर ने सबसे ज्यादा मेहनत की वो नंद कुमार, निर्विवाद रूप से नंद कुमार सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की पहले दिन से और टिल देन लास्ट डे तक, उनकी जो मेहनत है वो मेहनत देखी और उन्होंने फिर उनकी मेहनत से उनकी पूरी टीम मोटिवेट हुई, खुद राजपाल जी भी नंदू भैया के
फॉलोअर्स कहलाते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उनकी भी ड्यूटी ऐसे क्षेत्र में लगाई गई जो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र मतदाता का, मतदाता वाला बनासा वाला बेल्ट है, ये जो राजपूत मतदाता का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है उसमें ड्यूटी लगाई गई, वहाँ पर ये सारे वोटर ऊंच नीच करने में बिल्कुल, तो उन्होंने खास सिपा सालारों की ड्यूटी लगाई अपने अपने खास क्षेत्र में। तो इन पूरा मानदाता विधानसभा चुनाव में आप प्रचार में आप भी पूरे समय लगे रहे, तो कांग्रेस को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर? कांग्रेस को तो जनता ने सिरे से नकार दिया है, उनका 15 महीने का जो कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा जी, जनता परेशान हो गई थी, जनता त्रस्त थी, शिवराज सिंह जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसको बंद कर दिया गया था, इस वजह से जनता कांग्रेस से बहुत नाराज थी। तुम्हार जी आपने बहुत करीब से चुनाव को देखा है, भाजपा का जो संगठन स्तर पर भी आप बहुत अंदर से जुड़े हुए हैं, इस पूरे चुनाव में भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी रही है, मतलब चुनाव को जीतने के लिए, लोगों को वापस 1-to-1 होने के लिए किस तरह के नए गणित लगाने पड़े हैं यहाँ पर, या कोई नया काम किया गया है? नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से ही चुनाव में लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है जी, बूथ से लेकर मंडल से लेकर जिले से लेकर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक का भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस पार्टी है और उसका संगठन काम करता है, जिस प्रकार से बूथ का कार्यकर्ता काम करता है उसी प्रकार मंडल का काम करता है, जिले का काम करता है, प्रदेश का करता है, राष्ट्रीय स्तर का काम करता है। तो शुरू दिन से ही हमारा संगठन इस चुनाव में लग गया था और नंदू भैया के मार्गदर्शन में सभी लोग एकजुट होकर इस कार्य में मतदाता को चुनाव जीतने में लग गए थे, और उसका परिणाम है कि आज हम बढ़त बनाए हुए हैं, 18 से 20 हज़ार की जीत हम निश्चित तौर पर वहाँ से जीतेंगे। शुरुआत में ये ज़रूर लगा था वहाँ पे कि जैसे जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो उसके पक्ष में काम करने जा रहे थे जिसके पहले विरोध में काम किए हैं, तो शुरुआत में लोगों में झिझक थी, कोई हेजिटेशन था, वो उसको कैसे दूर किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब नारायण पटेल जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए जी, उनको हमने स्वीकार किया और धीरे धीरे सभी कार्यकर्ताओं ने उसको स्वीकार किया जी, और उसी का परिणाम है कि आज हम वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, मतलब परिणाम तो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि आपने उनको स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया और पूरे मन से स्वीकार किया, और सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर मंडल से जिले तक के नेताओं ने उनको स्वीकार किया कि हमारे परिवार के सदस्य वो, हमारे भाई है जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और कार्यकर्ता काम करते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। रिजवान भाई, यही बात, मतलब संगठन स्तर पर भाजपा में बहुत मजबूती से काम हुआ है, शुरुआत में यही लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा अनमनापन है, वो फील्ड में नहीं जाना चाह रहे थे, धीरे धीरे नेताओं ने उनको अब्लाइज किया और वो बाहर आने लगे। बिल्कुल, ये तो जी मैं बताना चाहूँगा, हम सिलसिलेवार यदि बात करें तो कांग्रेस भाजपा में नंद कुमार सिंह चौहान पहले दिन से ना केवल ग्राउंड में दिख रहे थे, ना केवल मेहनत कर रहे थे, ना केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे, उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की और ये मैसेज दे कि ये चुनाव, मतलब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान और पूरे स्थानीय नेता मिलकर लड़ रहे चुनाव ही। और कांग्रेस में अरुण यादव बड़ा अनमने ढंग से एक बार आए, एक बार सीएम के साथ, एक बार पूर्व सीएम कमलनाथ जी के साथ प्रचार में आए, वो अनमने ढंग से एक दूरी बना के रखी उन्होंने। तो इस परिणाम को यदि हमें केवल हम निमाड़ की इन 2 सीटों की बात करें, खासकर खंडवा लोकसभा क्षेत्र की, अरुण यादव के प्रभाव वाली सीटें कहलाती हैं जो जी, तो मुझे कहने में अभी अब कोई मतलब ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नंद कुमार सिंह चौहान ने फिर से अपना वर्चस्व साबित किया है और अरुण यादव निमाड़ में एक बार फिर से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 ध्रुव माने जाते हैं निमाड़ के कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान और ताकत उनकी बढ़ेगी निमाड़ में भी, प्रदेश स्तर पे भी, शिवराज सिंह के भी बहुत करीबी है तो प्रदेश स्तर पे भी उनकी ताकत बढ़ने वाली है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर और निमाड़ में भी अरुण यादव की ताकत कम होने वाली है। अगले कुछ समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, मतलब अब बहुत जल्द वो समय भी आने वाला है कि जब महापौर अध्यक्षों के लिए चुनाव होंगे, तो ये जो चुनाव परिणाम है ये उसके ऊपर खासा प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार ने बिल्कुल इस बात की तैयारी कर रखी है, जिनमें आपको बहुत मतलब सरकार के जो दस्तावेज उनके देखने में आए अभी, जो पत्र व्यवहार कलेक्टरों से जो देखने में आए, उसमें कलेक्टरों से भी हमारी जो निजी चर्चा हुई उनका ये कहना है कि बिल्कुल हमारा फॉर्मेट पूरा तैयार है इलेक्शन का, सरकार मतलब राज्य चुनाव आयोग का जो भी मध्यप्रदेश चुनाव आयोग इसको देखेगा, दिसंबर में भी सरकार बोलेगी, वो आयोग बोलेगा तो हम दिसंबर में चुनाव कराने को तैयार है, ये अच्छा। जनवरी में बोलेंगे, जनवरी में तैयार है, और भाजपा सरकार भी चाहेगी कि उनके फेवर का माहौल है और वो महीने 2 महीने के अंदर चुनाव करा के
तो चुनाव में जाके फिर से सारी सीटें 16 के 16 नगर निगमों में हम देख रहे हैं प्रदेश भर में भाजपा के मेयर रहे हैं, हालांकि अभी आउटगोइंग हुए हैं कुछ महीनों से। हाँ। बाकी जो जिस तरीके से माहौल है तो स्थानीय चुनावों में भाजपा ऐसा मान के चल रही है कि जो ये माहौल बना है उनके फेवर में, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम जल्दी देखते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने कुछ बदलाव करने की कोशिश करी थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उनका ये शायद कुछ इस तरह का एक प्लान था कि वो कांग्रेस के समर्थन में जाए, तो वो कार्यक्रम तो पूरा ध्वस्त हो गया है। तो जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा तैयार रहता है, 24 घंटे 12 महीने वो तैयार रहता है। जब भी कोई से भी चुनाव आएगा उसके लिए हमेशा तैयार रहता है, और आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और सभी नगर निगम और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी नगर निगम का वो प्रभाव रहेगा। तो मैं दोनों वरिष्ठ जनों का धन्यवाद कहूँगा यहाँ पर। इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ में। धन्यवाद।